आदि शंकराचार्य ने भारतवर्ष में चार धामों की स्थापना की थी, उन्हीं से एक धाम है जगन्नाथपुरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित और आज इसी जगन्नाथपुरी की हम यात्रा कर रहे हैं। तो चलिए मंदिर में दर्शन करने चलते हैं और फिर जगन्नाथपुरी के और भी कुछ जगह हैं वहाँ पर चलेंगे। जगन्नाथपुरी आने का सबसे अच्छा साधन है ट्रेन, क्योंकि पूरे भारत से रोजाना लगभग 45 ट्रेन जगन्नाथपुरी आती है और यहाँ से निकलती है। और फिर भी आने में दिक्कत हो तो हम भारत के किसी भी कोने से भुवनेश्वर बाय ट्रेन या फ्लाइट से आ सकते हैं। और भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में आपको ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा आसानी से मिल जाएगी एक से दूसरी जगह जाने के लिए। साथ ही यहां पर आप टू व्हीलर भी किराए पर ले सकते हैं पूरे दिन के लिए, जिसका किराया 300 से लेकर 600 रुपये है प्रतिदिन। पुरी में ठहरने के लिए आपको मंदिर रोड पर बड़ी संख्या में धर्मशाला, होटल्स और मंदिर ट्रस्ट के भक्त निवास मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप दर्शनों के साथ ही समुद्र बीच का भी आनंद लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप पुरी के गोल्डन बीच के पास ही बने होटल्स में ही रुकिए। हमने भी गोल्डन बीच के पास ही होटल में स्टे किया और यहाँ से हम ऑटो रिक्शा पकड़ मंदिर तक जा सकते हैं। गोल्डन बीच से जगन्नाथपुरी मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर की है। ऑटो रिक्शा से शहर की पुरानी सकड़ी गलियों में से होते हुए हम 10 से 15 मिनट में मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर के अंदर कैमरा या मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए मंदिर के आसपास मंदिर ट्रस्ट के कई सारे मोबाइल लॉकर बने हुए हैं। इन मोबाइल लॉकर्स में आप अपना मोबाइल जमा करा मंदिर में दर्शनों के लिए जा सकते हैं। और सिक्योरिटी चेक करा इन कतारों में लग हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे सिंह द्वार कहते हैं। सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश कर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर दर्शनार्थी उत्तरी और पश्चिमी द्वार से मंदिर से बाहर निकलते हैं। लगभग 800 वर्ष पुराने इस मंदिर की वास्तु किसी किले की तरह दिखाई देती है, क्योंकि अगर गौर से देखेंगे तो इस मंदिर के चारों तरफ 30 से 40 फीट ऊंची किले जैसी मजबूत दीवारें बनी हुई है। और इस मंदिर के चारों ही दिशाओं में चार द्वार बने हुए हैं, जिनके अपने अलग ही महत्व हैं। पूरब की तरफ है सिंह द्वार, जहां सिंह की मूर्तियां स्थापित है। पश्चिम में है व्याघ्र द्वार यानी वाघ द्वार, उत्तर में है हस्ती द्वार यानी हाथी द्वार और दक्षिण में है अश्व द्वार। पूरे विश्व में जगन्नाथपुरी मंदिर जितना प्रसिद्ध है, उतने ही चर्चे इस मंदिर के रहस्यों को लेकर हैं, और उनके जवाब आज तक विज्ञान भी नहीं ढूंढ पाया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर बने इस गुंबद की ऊंचाई 207 फीट की है, जिसके ऊपर अष्टधातु से निर्मित 2 टन वजन का सुदर्शन चक्र स्थापित है। और इस सुदर्शन चक्र के ऊपर है जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा। ये ध्वजा पूरे विश्व में एकमात्र ध्वजा है जो हवा की विपरीत दिशा में लहराती है। साथ ही इस सुदर्शन चक्र को हम किसी भी दिशा से देखें तो ये हमें अपनी तरफ ही मुड़ा हुआ दिखाई देगा, जबकि ये चक्र एक ही जगह पर स्थिर है। और इस मंदिर के शिखर की परछाई कभी जमीन पर दिखाई नहीं देती, चाहे सूरज किसी भी दिशा में हो। और इसी तरह कई अनगिनत रहस्यों से भरा है जगन्नाथपुरी का ये मंदिर, जिसके जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। और भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर हम 1 से 1.5 घंटे में मंदिर से बाहर आ गए। जगन्नाथ मंदिर के सामने ही हमें दिखाई देती है लगभग 500 फीट चौड़ी और 3.5 किलोमीटर लंबी एक सीधी सड़क। और इसी सड़क से निकलती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। मंदिर के पास ही इस सड़क पर हमें आने वाली रथ यात्रा के आयोजन की तैयारियां दिखाई देती है। यहाँ पर रथ यात्रा के लिए 3 रथों का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में कारीगर दिन रात रथ को बनाने में लगे हुए हैं। हजारों क्विंटल लकड़ी इन रथों के निर्माण में लगती है। सूचना के अनुसार पिछले साल मंदिर ट्रस्ट ने लगभग 60 लाख रुपए की लकड़ी इन रथों के निर्माण के लिए मंगवाई थी। और रथ यात्रा के लिए हर साल 3 ही रथ नए बनाए जाते हैं। और यात्रा से 2 महीने पहले इन रथों को बनाने का काम शुरू हो जाता है। और हर साल जून जुलाई में ये रथ यात्रा आयोजित की जाती है। साढ़े 3 किलोमीटर लंबी और 500 फीट चौड़ी इस सड़क की सबसे बड़ी विशेषता है कि सड़क के बीच में कोई भी डिवाइडर नहीं है। सड़क के बीच लगाई हुई ये डिवाइडर और चौराया भी टेम्पररी है। इन सब के पहिए लगे हुए हैं, जिन्हें टाइम पर हटा दिया जाता है। जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर ये रथ यात्रा इस सड़क के दूसरे छोर पर स्थित गुंडेचा माता मंदिर के पास समाप्त होती है। चलिए यहाँ से गुंडेचा माता मंदिर चलते हैं। भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर अब हम आ गए हैं गुंडेचा मंदिर। गुंडेचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है
मेरे पीछे आप ये मंदिर देख सकते हैं, यही है गुंडेचा मंदिर। गुंडेचा माता का मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है, जहां भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रथ में बैठ अपनी मौसी के घर आते हैं और यहां पर 9 दिन रुकते हैं। यहीं पर उनकी पूजा पाठ होती है और फिर वापस अपने मंदिर को लौट जाते हैं और इस तरह से इस रथ यात्रा की समाप्ति होती है। जगन्नाथ मंदिर के बाद ये पुरी का दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मंदिर है। इस मंदिर में भी केवल हिंदू धर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति है और इस बात का लिखित बोर्ड यहाँ पर लगाया हुआ है। गुंडीचा मंदिर के सामने ये जो आपको खुला मैदान दिखाई दे रहा है, इसी मैदान में तीनों रथ आके रुकते हैं और यहीं पर रथ यात्रा की समाप्ति होती है। इस मंदिर के पास ही मंदिर ट्रस्ट का गुंडीचा भक्त निवास बना हुआ है, जहाँ से आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठ जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करके आ सकते हैं। और गुंडेचा माता के दर्शन कर अब हम यहाँ से चलते हैं बेड़ी हनुमान मंदिर के दर्शन करने। बेड़ी हनुमान वही स्थान है जहाँ पर जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को बेड़ियों से बांधा था। चलिए इस मंदिर के दर्शन करते हैं और इस मंदिर की कहानी सुनते हैं। बेड़ी हनुमान मंदिर जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के तट पर बना हुआ है। भगवान जगन्नाथ जब जगन्नाथपुरी में विराजमान हुए, तब समुद्र का पानी अपने तट को छोड़कर उफान भरते हुए भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए मंदिर की तरफ आगे बढ़ने लग गया। समुद्र के आगे बढ़ने से पूरा जगन्नाथपुरी डूबने लग गया। तब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को बुलाया और उन्हें समुद्र की पहरेदारी पर बिठा दिया और हनुमान जी के डर से समुद्र अपने तट पर ही बना रहा। लेकिन खुद हनुमान जी ही भगवान जगन्नाथ के दर्शनाभिलाषी ठहरे और राम नाम का जाप करते हुए वो खुद भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आ जाते और हनुमान जी के पीछे पीछे समुद्र भी अपना तट छोड़ मंदिर तक आ जाता। और तब पुरी की रक्षा के लिए भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को इस स्थान पर बेड़ियों से बांध उन्हें सौगंध दिलाई और तभी से इस स्थान पर बैठकर हनुमान जी समुद्र पर निगरानी रख रहे हैं और तभी से इस स्थान का नाम पड़ा बेड़ी हनुमान, यानी बेड़ियों से बंधे हनुमान जी। समुद्र के तट पर ये एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर के अंदर कोई भी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन पौराणिक दृष्टि से ये जगन्नाथपुरी का बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। फ्रेंड्स, जगन्नाथपुरी आते हैं तो यहाँ की फेमस मिठाइयाँ जरूर खाना। रसगुल्ला, छेनापोड़ा, मिष्टी दोई और खाजा जैसी फेमस मिठाइयाँ बहुत ही टेस्टी मिलती है और ऐसा टेस्ट आपको बाहर और कहीं नहीं मिलेगा। और बेड़ी हनुमान के दर्शन कर शाम के वक्त अब हम आ गए हैं जगन्नाथपुरी के गोल्डन बीच पर। गोल्डन बीच के पास से ही 3 से 4 किलोमीटर लंबी सीधी सड़क गई हुई है, जिसकी दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लाइन से होटल्स बनी हुई हैं। जगन्नाथपुरी आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट इसी बीच लाइन पर रुकते हैं। इस बीच लाइन पर आपको 500 से लेकर 5000 तक की हर बजट की होटल मिल जाएगी। शाम के वक्त आप जगन्नाथपुरी बीच पर आ जाइए और यहाँ पर लाइन से दुकानें लगी हुई है, खाने पीने की स्टॉल लगी हुई है, छोटा सा मार्केट भी है जहाँ पर आप छोटी मोटी शॉपिंग भी कर सकते हैं। और शाम के वक्त इस बीच का नज़ारा देख हम जान सकते हैं कि क्यों इसे गोल्डन बीच कहा जाता है। सूर्यास्त के समय यहाँ का पूरा वातावरण गोल्डन हो जाता है, यानी कि सुनहरा हो जाता है। आसमान से लेकर समुद्र की मिट्टी तक पूरी सुनहरी हो जाती है और ये पूरा वातावरण गजब का सुकून देता है मन को, इसीलिए इस बीच को गोल्डन बीच कहा जाता है। पुरी के गोल्डन बीच को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है, जो कि भारत में केवल 10 बीचेस को ही मिला हुआ है। पुरी आने वाले दर्शनार्थी और टूरिस्ट शाम के वक्त गोल्डन बीच पर जरूर आते हैं। शाम के वक्त इस बीच पर और इस बीच के आसपास कई सारी शॉपिंग की दुकानें खुल जाती हैं। जगन्नाथपुरी की यात्रा के दूसरे दिन आज हम चल रहे हैं सुप्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर देखने। पुरी से 1500 से 2000 रुपए में टैक्सी कर हम कोणार्क सूर्य मंदिर देख पुरी आ सकते हैं या फिर कोणार्क मंदिर से ही आगे भुवनेश्वर भी जा सकते हैं। पुरी से कोणार्क सूर्य मंदिर लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके बीच में हमें 2 और पॉइंट देखने को मिलते हैं। ये पूरा रास्ता समुद्र के किनारे पर ही चलता है। इस रूट पर सबसे पहले हम रुकते हैं रामचंडी मंदिर के दर्शनों के लिए। कुशभद्रा नदी के किनारे बना ये मंदिर देवी रामचंडी का है, जो कि उड़ीसा की महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माँ चंडी का रूप भगवान श्री राम की तरह शांत और सौम्य है, इसलिए इन्हें रामचंडी कहा जाता है। कहा जाता है कि माता रामचंडी के मंदिर में मांगी हुई मन्नत कभी खाली नहीं जाती। मंदिर में घी के दिए जो माता की पूजा की जाती है। यहाँ माँ चंडी कमल के फूल पर विराजमान है। और रामचंडी मंदिर से 2 किलोमीटर आगे है ये चंद्रभागा बीच।
शहरी भीड़ भड़ाके से बिल्कुल दूर एकांत प्रिय लोगों के लिए ये बीच स्वर्ग है। इस बीच पर आप थोड़ी देर रुककर समुद्र का आनंद लेकर नारियल पानी या ठंडा पीकर आगे निकल सकते हैं। और चंद्रभागा बीच से 5 किलोमीटर की दूरी पर है कोणार्क सूर्य मंदिर। उड़ीसा के तट पर बना भगवान सूर्य को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगवंश राजवंश के राजा प्रथम नरसिंह देव ने करवाया था और सन 1984 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की मान्यता दी गई। ये मंदिर भगवान सूर्य के रथ के आकार का बना है जिसमें पौराणिक भारत की स्थापत्य कला की हजारों कलाकृतियां बनाई हुई है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह 229 फीट का है जिसमें भगवान सूर्य की मूर्ति की स्थापना की हुई थी। कहा जाता है कि इस गर्भगृह के ऊपर सैकड़ों क्विंटल का चुंबक लगा हुआ था, लेकिन आगे पोर्तुगीज ने इस चुंबक को निकाल दिया और तभी से मंदिर की दीवारें गिरने लग गई। आगे ब्रिटिश सरकार ने इस मंदिर के अंदर मिट्टी भरवा कर इसे पूरी तरह से बंद कर दिया, जो आज तक बंद है। कोणार्क सूर्य मंदिर आप जाते हैं तो यहाँ पर ऑथोराइज गाइड साथ में लें, जो 300 से 500 रुपए लेकर आपको पूरा मंदिर परिसर घुमाएगा और कई कलाकृतियों की जानकारी भी देगा। कोणार्क सूर्य मंदिर देख आप 1 से 1.5 घंटे में वापस बाहर आ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी जगन्नाथपुरी की यात्रा समाप्त होती है। ये स्थान, ये जगह आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई यात्रा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।